यूएनओ का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह है और अगर आपको अस्थाई सदस्यता दे देंगे तो आपके पास हो जाएगा वीटो। अब भारत कहता है कि जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, यूएनओ की स्थापना हो रही थी तो 1945 में ही भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। गुलाम होते हुए भी हम तुम्हारे सदस्य बने, तुम हमें भी तुम क्या करते हो, अपना सदस्य अस्थाई सदस्यता नहीं दे रहे हो, हमें तो कम से कम यूएनओ में अस्थाई होना चाहिए। उसके बाद यूएनओ कहता है कि दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र पब्लिक के लिए अच्छा होता है, राजतंत्र अच्छा नहीं है। राजतंत्र में राजा जो बोल दिया वही हो जाता, सर कलम कर दो, राजतंत्र हो जाएगा। तानाशाही और खराब होता है। चाइना में जो है, चाइना में क्या जी, साम्यवादी, साम्यवादी में पब्लिक से कोई नहीं पूछा जाता, जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया वही ले लिया। सबसे अच्छा कौन होना है, लोकतंत्र। यूएनओ किसके बढ़ावा देता है, लोक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत। ससुरा तुम कहता है लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, चोट्टा कहीं का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को तुम अस्थाई सदस्य नहीं बनाए हो, क्या बनाए हो, अस्थाई। अब तुम तब क्या कहना चाह रहे हो, तो भारत यही बात कहता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो यहां पर। तो पहला तो लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हम ही को तुम सदस्य नहीं बना रहे हो, ये तो पूरी तरह से क्या है, गलत बात है यहां पर। यूएनओ कहता है कि गुटबाजी करने से बेटर है यूएनओ पे भरोसा किया जाए। भारत किसी भी तरह का सैन्य गुटबाजी का सदस्य नहीं है। अमेरिका नाटो जैसे सैन्य गुटबाजी का है फिर भी अस्थाई है, ब्रिटेन नाटो का है फिर भी अस्थाई है, फ्रांस नाटो का सदस्य है फिर भी अस्थाई है, रूस ने भी बनाया था सेंटो सेना, वो भी क्या था, अस्थाई था, चाइना के साथ बना, चाइना भी मतलब उसी फेवर में जा रहा था यहाँ पे। तो भैया जब तुम कहते हो गुटबाजी नहीं होना चाहिए और गुटबाजियों वालों को रखे हो अस्थाई सदस्य में, दुनिया का पहला देश भारत था जिसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन चला दिया कि किसी को किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम उसी देश को अस्थाई सदस्य नहीं दिए हो, यह गलत बात है यहां पर। तो भारत यूएनओ के हर मामले को फॉलो करता है, एक जगह आके अटक जाता है। यूएनओ कहता है कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कीजिए, एनपीटी, क्या साइन कीजिए, एनपीटी, कि आप अपनी न्यूक्लियर तकनीक किसी को साझा नहीं करेंगे। भारत यहां भी नहीं फंसता है, कहता है ठीक है ना, हमने हमें किसी ने परमाणु बम बनाने का तरीका बताया है और ना हमने किसी दूसरे को बताया है, हमारे यहां के वैज्ञानिक खुद सीख गया सब, अब भगा दिया सब, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, वहां का जाकिर खान था पाकिस्तान का वैज्ञानिक, वहां पे जाकिर अब्दुल कादिर, जाकिर खान ने अब्दुल कादिर फ्रांस का था, फ्रांस में मतलब सीख उक लाया था, खैर पाकिस्तान ने भी डेवलप कर दिया, वो अपना बेच दिया एक दो जगह। हम लोगों ने ना ही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे से ली है, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को साझा किए हैं, हम पूरी जिम्मेदार देश है, पूरे जिम्मेदार नागरिक, हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम एनपीटी पे साइन नहीं किए, लेकिन एनपीटी को फॉलो करते हैं कि नहीं, चाइन वो कहता है सीटीबीटी पे साइन करिए, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, बहुत बड़े परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है ट्रीटी, जो सीटीबीटी पे साइन करता है ना वो परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। हम लोग 1974 में परीक्षण कर दिए और 1998 में कर दिए। चाइना कहता है देखिए 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 ये स्थायी सदस्यता मांग रहा है और इसी का नियम नहीं फॉलो कर रहा है, इससे पहले साइन कराइए एनपीटी पे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कराइए। भारत कहता ना करेंगे, कहता सीटीबीटी पे साइन कराइए कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो सीटीबीटी पे लिखा है कि हम जमीन पे परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते, हम लोग जमीन के अंदर किए हैं, जो उसमें लिखा ही नहीं था, क्योंकि अंडरग्राउंड एक क्लॉज ही अलग होता है, कि अंडरग्राउंड एक क्लॉज अलग होता है, वहां पे वो एक अलग दुनिया है, अंडरग्राउंड की दुनिया है यहाँ पे भूमिगत। तो हम लोग साइन ना एनपीटी पे किया है ना सीटीबीटी पे की, लेकिन एनपीटी और सीटीबीटी दोनों में से किसी को हमने उल्लंघन नहीं किया। तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं तब साइने कर देते हैं, कि जब हम एनपीटी पे साइन, जब हम एनपीटी कहता है कि ना ही आप किसी से परमाणु तकनीक लीजिएगा ना किसी को दीजिएगा, ना हमें किसी से परमाणु तकनीक लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो हम इस पे साइन क्यों नहीं कर देते हैं? और परमाणु परीक्षण की खुद ही यह अनुमति देता है कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, और हम लोगों ने भूमिगत परीक्षण करके उसका पावर को टेस्ट कर लिया है कितना तगड़ा है, तो हम साइन क्यों नहीं कर देते हैं?
दिक्कत यहां यह है कि इस पर लिखा हुआ है कि इस पर साइन करने वाला देश यह स्वीकार करता है कि केवल 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे जिनके पास बीटो है। तो हम इसको जैसे साइन करेंगे ना, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार बस उन्हीं 5 देशों को है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो इससे साइन करने के बाद निकल है, लेकिन जैसे साइन करेंगे तो हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम अपना परमाणु बम हटा रहे हैं। ससुरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है ना, साउथ अफ्रीका, उसका पास परमाणु बम था, इस ससुरा साइन करा दिया सब, परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करा दिया सब। ये अंग्रेज सबके भरोसे मत रहिएगा। तो भारत पे दबाव बनाया गया कि तुम साइन करो, दोनों पे साइन करो, क्या करो, दोनों पे साइन करो, तब हमें तुम्हें अस्थाई सदस्यता देंगे। अब देखिए कोची हंस रहा है, ये बकले लिया, इधरों से हंस रहा है सब, उधरों से हंस रही है। तुम दर्जा हंसती है जो छुप कैसे दताइल डिस्टर्ब करने के लिए लड़कियों को हंसती है, क्या किया गया, तुम नहीं समझते हो, अटेंशन चाहिए उनको, तुम अटेंशन मत देना, फिर देखना बिना ऑक्सीजन के भी आग लग सकता है। केमिस्ट्री कहता है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग लग सकता है। अटेंशन बस मत दो, फिर देखो कोई ठीक नहीं है। बबनी का कहना है कि मैं सर अगर इस पे हम साइन कर दिए इन दोनों पे तो अस्थाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाए, अस्थाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है, क्या भरोसा इन चोटों का। हम ये क्यों स्वीकार करें कि चाइना रख सकता है हम नहीं, रूस रख सकता है हम नहीं, रखेंगे हम अस्थाई सदस्यता, हमें कौन सा घटल है अस्थाई सदस्यता बिना, हमको जहां जरूरत है रूस मारिए देता है, नहीं समझे, तो हमें कौन मारो कल बिना खाए को घटल है, जहां जहां जरूरत है वहां कौन मार देता है, रूस। ये उसके लिए दिक्कत है जिसको कोई नहीं है आगे पीछे, नहीं समझना, दुनिया में तो हम लोग बना के रखे हैं इतना, हमारे लिए फ्रांस मार देता है बीटो, फ्रांस सही में। अब को मोदी जी कहेगा तनी और राफेल खरीद लीजिए ना नहीं समझे, दुनिया में कोई किसी का देश किसी की बपौती तो है नहीं, किसकी बपौती, जो प्रधानमंत्री है उनका अपना घर का देश थोड़े है, आज आप है कल कोई और रहेगा, नौकरी करने आए आप, संविधान ने आपको 5 साल के लिए नियुक्त किया है, आप इसको अपना मत समझिए, नहीं समझे। तो और फ्रांस भी हम लोग के लिए क्या मार देता है बीटो, तो हमारा कौन मार घटल है, कोई इसके लिए घटल तोड़े जा रहा है। अब बताइए हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे, फंस जाएंगे ससुरा, हम कभी स्वीकार करके देंगे कि बाकी 5 गो परमाणु बम रखिए हम लोग नहीं रखेंगे। अच्छा अब भारत का कहना है कि आप क्यों रखेंगे बाकी क्यों ना रखें, उनका कहना भी एक तरह से लॉजिकल है कि देखिए अगर सबके पास परमाणु बम होने लगे तो छोटे छोटे लड़ाई में छोटे देश जिम्मेदार नहीं होते हैं, मार देंगे से धार 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 कहीं उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जो जिम्मेदार देश थे जो 1974 से पहले परमाणु बम बना लिए वो रख सकते हैं, वो सब देखा सब कि 1974 तक सब बना लिए सब, उससे पहले रख सकते हैं, सबको हम कैसे छूट दे सकते हैं। तो भारत का कहना है कि आखिर 74 तक डेडलाइन दिए है ना, उसको 75 कर दीजिए, हम भी उसी में चलाएंगे हम भी उसी में चलाते हैं। तो कहता है कि ना 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 तुमको नहीं देंगे हम, यहां तुमको नहीं देंगे। तो भारत का कहना है कि हम एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर साइन करने के लिए रेडी हैं, हमारा बस दो गो बात है, या तो इसमें कह दीजिए कि हम परमाणु बम रखेंगे जैसे बाकी सब रखे हैं, या तो आप इसमें कह दीजिए कि ना हम रखेंगे ना दुनिया का कोई सदस्य रखेगा, हम परमाणु बम नहीं रखेंगे तो दुनिया में और भी कोई नहीं रखेगा, समझ गए कि नहीं। भारत साफ कह देता है, इसके अलावे यहां भारत कहता है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, भारत कहता है कि देखिए हम पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे, इसका मतलब कि हम उस देश पर भी नहीं चलाएंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, क्योंकि जब परमाणु बम नहीं है तो परमाणु मरवो नहीं करेगा। कहता है नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे, यानी अगर कोई हमारे किसी शहर मान के मुंबई पर गिरा दिया तब तो हम ना छोड़ेंगे, तब तो हम नहीं छोड़ने वाले जाएं। जापान पे क्या हुआ, नागासाकी पे मारा, ब्लैकमेल कर रहा है कि हर सरेंडर करो नहीं तो फिर मारेंगे, मार हिरोशिमा मारा फिर नागासाकी मारा, कर अगला क्वेटो पे मारेंगे फिर अगला टोक्यो पे मारेंगे, जापान को सरेंडर करना पड़ा। भारत का कहना है कि हम हमला के लिए नहीं रखे लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे,
नो फर्स्ट यूज, समझ में आ गया कि नहीं? नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर यूज कर दिया तो हम उसको यूज एंड थ्रो कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान कहता है हमारे पास ज्यादा एटमी पावर है, भारत के पास कम है। अरे भैया तुम्हारे पास, तुम्हारे हिसाब से रखे, तुम्हारा है कौन? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बाकी हम मारेंगे कहां? बकरी चराने वालों पे, खेत में मारेंगे, जरूरत कहां? एक ग्वादर, लेकिन ग्वादर तो बलूचिस्तान अलग हो रहा है, उसको भी हम मान के जाओ पांच को, तो हमारे पांच को क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है ढेर रख के पूरी दुनिया से दुश्मनी पाल ले बिना? अभी हमसे कोई पूछता है फ्रांस परमाणु बम कहां रखे? अरे आपके लिए नहीं रखे चाचा, मोदी जाते होंगे इशारा में कहते तो खान सर के चाचा, नहीं समझा? इशारा इशारा में समझ जाते हैं, सबको पता है मेरा चाचा, समझा क्या कि नहीं? आगे बढ़े। हाँ हाँ, पांचों देश तो साइन किया, अमेरिका को साइन करने में क्या जाता है एनपीटी? कि हम रखेंगे, पांच देश रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रखेंगे, लेकिन अरे ये उसको ना दिक्कत है जिसका नाम इसमें नहीं है। अगर इसी में कह दिया जाए कि भारत भी रखेगा बाकी नहीं रखेगा तो हम कल साइन कर दे, हम अबे मोदी जी को उठा के ले चलते हो। चोरिए रैली वैली बाद में होते रहेगा, पहले साइन करके आइए एनपीटी सीटी, बीच में लेके चल चलता है, बाद में उद्घाटन होते रहेगा किसी चीज, पहले साइन करके आइए। लेकिन ससुरा इसमें हम लोग का नाम ही नहीं है, इसमें कितने देशों को मान्यता देता है? पांचे को मान्यता देता है जिनके पास बीटो है। तो हम क्या करेंगे वो बीटो लेके जो ससुरा परमाणु बम छीन ले हमसे? समझा गया कि नहीं गया? अरे गज पाके थान गवाएंगे हम, कभी नहीं गवाएंगे हम यहाँ पे। बीटो हमारे बदले मार देगा पुतिन, हमारे बदले फ्रांस मारने को रेडी है, नहीं समझा? हम लोग भी तो ब्लैकमेल करते हैं, फ्रांस नहीं मारेगा तो अमेरिका से कहेंगे तुम्हारा F-18 जहाज अच्छा है, फ्रांस का हम मार रहे हैं ना, राफेल में क्या कमी है? रूस नहीं मांगेगा तो कहेगा सऊदी का तेल ठीक था, पुतिन का यार तुम ही एक तेल खरीदने वाला है मेरा, बाकी सब तो डरपोक है, सब सब डरा जाएगा सब, तुम ही एक है जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो सकता है कि खरीदेंगे रूस से तेल, क्या कहना है बोलो? बीटो मारना है, मार दो धाए दो बीटो, बोलो तो एक कज गई दो बार मार देते हैं। हमें कौन सा घटल है, आराम से काम करेंगे लोग वहां पे। तो पहला बात कि ये वाला मामला उतना नहीं जाएगा हम लोग के लिए, नो फर्स्ट यूज, क्योंकि हम लोग ने इसका लॉजिकल उत्तर दिया है कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, हमारा परमाणु बम केवल डिफेंस के लिए है, नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे। और इस बात इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा कि अगर हम ऐसा डिसीजन क्यों लिए हैं कि हमारे किसी एक शहर को जब तक बर्बाद नहीं किया जाएगा तब तक हम यूज नहीं करेंगे। परमाणु बम गिराने वाले मिसाइल बहुत साइज में बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, और उन्हें मारने के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर मात्रा में डिफेंस सिस्टम है। वो डिफेंस सिस्टम हर जगह कारगर है, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के। तो हमारे जितने बड़े शहर है ना जिन्हें परमाणु बम से टारगेट किया जाएगा वो कोई पहाड़ पे नहीं है, सब नॉर्मल जगह पे है, मुंबई मुंबई में, कश्मीर उसमें, अरुणाचल प्रदेश वहां पहाड़ वाड़ में रडारवा काम नहीं करता। तो परमाणु बम जैसे हाई भयानक बम को वैल्यूएबल टारगेट में मारा जाता है कि ले जाकर अरुणाचल प्रदेश में मारेगा एक पहाड़ उड़ गया, तो जो बिना मतलब का एगो ठेप्पा लग गया कि भारत में मारा है परमाणु बम, तो पूरी दुनिया कहेगा भारत तुम निपट जाओ हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? कोई भी परमाणु बम मारता है तो कम से कम मारता है इतना भयानक कि दहला दे उसको, तो मारेगा दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर चेन्नई इसी सब बड़े शहर पे, और ये सारा बड़ा शहर पहाड़ के पास नहीं है, समझा गया? बेंगलोर पहाड़ के पास है तो बीचे में है, डायरेक्ट बेंगलोर में कोई कैसे घुस जाएगा जी बिना साइड के होगले, यहां आके मारेंगे, मार के नेवी रास्ते में गिरा देगी, तो भारत को टेंशन नहीं है। अब बात आती है सबसे बड़ी कि चलिए हमने सबको रेडी कर दिया, लेकिन इन सब के बाद यह प्रस्ताव कहां जाएगा? महासभा में 193 देशों में, वहां से हमें क्या करना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा। और जब वहां से पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर कहां आएगा? सुरक्षा परिषद में। अब फिर मामला वहीं अटक जाएगा कि सब रेडी हो जाएंगे, सब के सब रेडी हो जाए तो अमेरिका भी रेडी होना चाहिए, ब्रिटेन भी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, सब के सब तो रेडी हो जाएंगे सब, लेकिन चाइना रेडी नहीं होगा। और चाइना रेडी नहीं होगा उसकी मजबूरी भी है कि चाइना रेडी हो गया अभी भारत पावरफुल हो जाएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाइना अगर हो गया तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि चाइना रेडी होगा नहीं, उसे रेडी कराना पड़ेगा, समझिए कैसे।
इनके इलाज ना है क्या यहाँ पे? आगे यहां तक तो समझ में आ गया। सबसे बड़ी बाधा कौन आने वाला है? चाइना। एनपीटी सीटीबीटी डिक्सन आयोग ये सब निपटा देंगे हम लोग यहाँ पे, समझ में आ गया। ज्यादा जो देर विरोध करेंगे तुर्की ज्यादा विरोध करेगा। एक ब्रह्मोस दे दो, तुर्की का दुश्मन कौन है पता करो तो, साइप्रस दे दो फ्री में, ईएमआई पे ले जाओ गद्दा उड़ा देंगे यहाँ पे। हमें थोड़ी लड़ना है, छोटे मोटे इंसान लड़ाई खुद लड़ते हैं, बड़े लोग लड़वाते हैं। आप देखिएगा आपके या गांव मोहल्ले या कहीं पे भी जो बड़े लोग हो गए वो घर से बाहर थोड़े आते हैं, उनके लिए लड़वाने वाले रहते हैं लोग यहाँ पे। आई छोटका छोटका लड़ता है सब, श्रीलंका और लंका ये सब टाइप वाला, ये सब लड़ाई करेगा खुद है मार देंगे है। बड़का कभी नहीं लड़ता। अमेरिका क्या कर रहा है, हथियार ले जाके यूक्रेन को दे दे रहा, मार दो